नमस्ते कर दो मम्मी को। नमस्ते। मैं तुमसे मिल के भी नहीं आई वरना जी थोड़ा को। चलो टाटा बाय बाय। फोन नमस्ते कर दो मम्मी को भाई। नमस्ते जी। मैं तुमसे मिल के भी नहीं आई वरना अजीब सा लगा मुझे। चलो भाई अभी हमारे कुछ दो सवारी और हैं, उन्हें लेना है हमको। अपना फोन ही नहीं लिया? कैसे कैसे महान लोग हैं भाई ये। उसे अपना फोन नहीं लिया उसने अभी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए बात करते हैं इस खूबसूरत दिन की और खूबसूरत जर्नी की। सो अभी हम जाने वाले हैं चोपटा, अभी तक तो यही प्लान है हमारा। सो हम तुंगनाथ जो मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। अरे ये किसका बच्चा है भाई? किसके बच्चे हो आप? खो गए हैं हम। नहीं किसका बच्चा है? मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा है। मेरा बच्चा है। ये क्या है? देखने तो नहीं रही ली। मैंने नहीं देखी। बहुत पुरानी है तो बहुत पुरानी लगा। टीम ने खुद ही बनाया है। बहुत पुरानी। तो अभी हमें जो है शिव जी के मंदिर जाना है तुंगनाथ। तो आई थिंक वो खुला तो होगा नहीं, पट तो अभी बंद रहते हैं इस टाइम पे, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा। तो हम ट्रैक करके जाएंगे मंदिर तक। अच्छा, हम ट्रैक देखो भगवान तो दिल में होते हैं, बस तुम उस जगह पे जाके उनसे एक पीस के लिए जाते हो। बेसिकली भगवान की तुम आराधना तो कहीं से भी कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो। हाँ ये जरूरी है कि तुम वहीं जाके करोगे, जो मानता है वो कहीं से भी कर सकता है। तो बोलो शंकर भगवान की जय। ये जो लावारिस इंसान है से भी लेके जा रहे हैं हम। बैठोगे भाई? घूमोगे भाई? घूमोगे पहाड़ों में? घूमोगे? चलो तुम्हें पहाड़ दिखा के लाते हैं, तुम तो जा ही नहीं पाते होंगे अभी पहाड़ों में। अभी भाई कुछ खाना खजाना हो जाए। लगभग क्या टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है 9:40। खाना दे दो। चलो भैया खाना खजाना हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से। वेलकम टू हरिद्वार। हरिद्वार पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ एक फ्रॉड होने से बचा थोड़ी देर पहले। नहीं मैं फ्रॉड नहीं हूँ। मुझे क्यों दिखा रहे हो फ्रॉड के नाम पे? मुझे क्यों दिखा रहे हो? तो अभी थोड़ी देर बताएंगे स्टोरी, काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा आगे जाके कहीं ये भी बच्चे कुछ खाएंगे तो उस टाइम पे। अब तो बच्चे नहीं, अब तो बड़े बड़े हैं सारे। एक बच्चा बस बीच में। भाई बंदा अपने जूते छोड़ा, जबकि ट्रैक करने जा रहा है बंदा और अपने जूते छोड़ा। चप्पलों में चलियो, चप्पल में चली, सॉक्स पहन के। ये देखो भाई ऐसे लड़ते हैं पति पत्नी। इसके बूट पहन लिए, उसके देख पैर इसका इतना सा। चलो रास्ते में देखते कहीं मिल जाएंगे। चलो कुछ खा लेते हैं। खाना अच्छा है तो भाई खाना खजाना हो गया। अभी चलते हैं यहाँ से। अभी हमें जूते लेने पड़ेंगे क्योंकि भाई साहब अपने जूते भुलाए है ना, भुलाए हैं या फिर कोई लाया नहीं। चुप रहो है। कौन से लेने जूते? सही रहते हैं वो भाई, गोल्ड स्टार के। गोल्ड फ्लेक्स लेके गोल्ड स्टार पे जिंदगी निकल गई भैया। उल्टी मास्टर, एक बंदे को यहाँ उल्टी करवा रहे हैं हम। चले भाई चलो। अभी हमने खीरा वीरा खाया। जगह बदली गई है, जगह बदली गई है। अब दूसरी जगह उल्टी करेंगे। पहाड़ों में निशानी छोड़ेंगे। भैया कोई किसी को जाना हो, देवप्रयाग जाना हो, ये निशानी छोड़िए, लेके निशानी छोड़ के जा रहे, रास्ता नहीं भटकेंगे हम। सुनते हुए जाना, अब तो ज्यादा दूर नहीं बचा यहाँ से। श्रीनगर बचा होगा मुश्किल से 20-30 किलोमीटर यहाँ से। यहाँ पे बीच बीच में ऐसी लैंडस्लाइड हो रखे हैं रास्ते में। ये पहले जब आ रही थी जब ये लास्ट टाइम पे हो गई थी, तो अभी तो इधर का रास्ता फिर भी खुला हुआ है। बीच बीच में थोड़े थोड़े पैचेस हैं। बाकी यहाँ से श्रीनगर, ये वो वाला श्रीनगर नहीं है, यहाँ पे भी एक श्रीनगर है। कहीं सोचे जम्मू कश्मीर जा रहे हैं क्या? उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर पड़ता है। सो जो यहाँ के उनको तो पता ही होगा। सो रुद्रप्रयाग जाएंगे हम, संगम भी देखेंगे। देवप्रयाग में संगम मिलेगा हमको दो नदियों का, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पहले एक बार दिखा चुका हूँ,
पर बहुत टाइम हो गया, चलो इस बार थोड़ा ढंग से दिखाएंगे। वहाँ पहुँचते हैं और चलते हैं, उल्टी उल्टी हो चुकी है। चले भाई, ये उल्टी मास्टर को बीच में बिठा दिया कि इनके मुंह पे उल्टी करे। अभी उतरेगी थोड़ी, अभी मुंह इधर करेगी, कर देगी। ये भाई देव प्रयाग का संगम, एक तरफ से भागरी थी, एक तरफ से अलकनंदा, और मिलके बन जाती है गंगा। तो ये दो नदियों का संगम देखना नीचे, मतलब कैमरा वो जस्टिफाई नहीं कर पाता भाई, देखना क्या सही लग रहा है। यहाँ से भी नंगे लोग देख पा रहा। चलो भाई संगम देख लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा सा आगे श्रीनगर में जाके एक जगह हमें जूते लेने हैं, क्योंकि जूते छोड़ा है जैसे मैंने बताया, तो एक बार जूते लेते हैं वहाँ से उसके भाई के, उसके बाद चलते हैं। शाम ही हो जाएगी, हम लगभग 7 बजे तक ही पहुँचेंगे चोपटा। तो नशा वशा की दवाई तो नहीं दे दी से? मैंने दारू मिलाई है, हो सकता है एकदम से। ओए स्नेक वेनम, कंट्रोवर्सी वीडियो हो जाएगी। तो ओआरएसपी के लेटरी है भाई, बताओ ओआरएसपी के जो रे भाई, इसने सांप तो नहीं पकड़ लिया था, उल्टी करने गई थी वो। चलो भाई दोबारा उतर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे एक और सवारी को, मतलब एक और सवारी का, उसी सवारी को दोबारा उल्टी आ रही है, तो वो अपना उल्टी उल्टी कर रहे हैं। हम जरा थोड़ा सा बाहर उतर के देख रहे हैं क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे पानी देखो कैसे बिल्कुल ठहरा हुआ सा है, पानी कम भी है इस साइड में, बाकी धूप बहुत तेज़ हो रही है भाई। यहाँ पे पता इतने ऊपर आ गए हम, और फिर भी पता टेम्परेचर क्या दिखा रही गाड़ी, 32 डिग्री, धूप बिल्कुल जलाने वाली हो रही है, एकदम बेहतरीन जलाने वाली धूप जला रही है ना। क्या हो गया, ब्लॉग करने का मौका मिल रहा है बार बार उतर के? हाँ सही कह रही है भाई की ब्लॉगिंग कंटेंट बढ़ा रहे हैं हम, कंटेंट ही कंटेंट, कंटेंट ही कंटेंट आ रहा है। केले संतरे सेब है, आ जाओ अंदर। मैं तो ये क्या ले आया, सेब भी ले आया क्या? सेब भी ले आया, दो तीन मैंने खा लिए थे। सेब तो शायद थे दो तीन, अभी तो मैं दो चार कम लेके आया हूं। चलो ठीक है, बाहर अच्छा वो चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है बाहर, ढोलकी बज रही पीछे भाई साहब, वो आया सवेरा। तो ये श्रीनगर में अपना गाड़ी खड़ी कर दी है पेट्रोल पंप पे, रचित गया है नीचे अपने जूते वगैरह लेने के लिए। मैं जरा बाहर गाड़ी से निकल के देख रहा हूँ कि शहर किस टाइप का है। आया हूँ वैसे मैं, एक बार मैं रुका हूँ, पर रात में आया था। अब दिन में अलग बात होती है भाई, शहर की सब दुकानें खुली होती हैं, बाकी रोड वोड तो सही है। ये इनका बस स्टैंड है देखो, वहाँ पर रोड तो ठीक है, ये चौड़ा रोड है यहाँ पर, और भीड़ भी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। तो भाई श्रीनगर से हमने कर लिया शॉपिंग, बहुत ही बेहतरीन जूते लिए भाई साहब ने, बस के जूते। अब मैं बात कर जाऊंगा तुंगनाथ पूरा, हाँ भक्ति तो और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर मैं चंद्रशिला टॉप की पार हो जाऊंगा, हाँ फिर वहां से उड़ता हुआ आएगा, उसमें पैराशूट लगा हुआ जूतों के अंदर। मैं अपनी मेलोनी साथ लेके आया हूं, जो कि जूते घर बुलाई थी। सुबह ये है धारी देवी मंदिर, बहुत सुंदर लगता है देना, पानी के बिल्कुल बीच बीच बना हुआ है देना, से ऊपर से देखो बहुत ही सही लगता है, अच्छा लग रहा है ना। चलो भाई अभी दोबारा चेकिंग करा ली, कौन से नंबर की चेकिंग थी ये? भाई मेरे तो पूरी पैंट गंदी की चेकिंग करा करा के। ये छठी बार होगी भाई ऐसा है, 600 रुपए हो गए मेरे। तो मैं खोल लिया, और अभी तो ये और कह रहे हैं, अभी तो ये और कह रहे हैं, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तक तो अभी 2-3 बार और होगी। भाई चेकिंग इलेक्शन की वजह से बहुत ही तगड़ी चेकिंग चल रही है, कि कहीं पैसे लेके दारू लेके ना जा रहे हो। और मैं से बोल के आया हूँ भैया, मैं तो कुछ छुपा के लाया हूँ, पकड़ के तो दिखाओ। ये कह रहे नहीं, एक या दो बोतल अलाउड है, ज्यादा ले आ रहे हो तो ये पेटी है भाई सब अंदर। हाँ तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर बचा है जो हमारी डेस्टिनेशन है वो, बाकी ऐसे कुछ नजारे। अरे टंकी बंद कर दो, पानी भर गया भाई, बढ़िया है एकदम। ये कौन कर रहा भाई ऊपर है? इस पे अगर कोई वहां से बैठ के स्लाइड करता हुआ एकदम सीधा आएगा ये धाव, सर उधर टूट जाएंगे नीचे आ जाते तो उससे, हां ये बोले पहले से दो ही है, बम चिकी चिकी बम हो जाएगा, बम चिकी चिकी बम हो जाएगा फिर। तुंगनाथ पहुंच चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा और आगे, क्योंकि हमारे रचित भैया ने एक वो देखा है यहाँ पे कहीं कोई रिजॉर्ट वगैरह, तो वहाँ देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या देखा है, ऐसा कौन सा 5-स्टार होटल है यहाँ पे। भैया तो ऐसे बोल रहे हैं, रिक्शा वाले भैया बोल रहे हैं। अब तो वहाँ जाके पता चलेगा तुम रिक्शा, लेकिन बहुत सुनो है भाई, तो आगे और सुनो है, सनो 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 ही सनो है भाई, सनो ही सनो है रोड पे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं, हमारा रिजॉर्ट है वो
जो सामने लाइट जल रही है अंधेरे में। हाँ अभी तो हम टी शर्ट में जा रहे हैं, ठंड नहीं मानते लौंडे बिल्कुल भी, और ठंडा है। यही तो चीते वाली बात है, चीता ही कहते हैं, चीता ही। चलो भाई चलो, उधर से आते हैं ना ठंड खत्म हो जाएगी तेरी की, तो चढ़ के आ गया ना इस पे खाली पड़ा हुआ है तो सुनता हूँ। लेकिन अच्छा से लग रहा है, हाँ रूम तो देखने में ठीक से रहना, दूर से तो पास जाके पता चलेगा। तो एक गाड़ी यहाँ पे हमने खड़ी कर दी है, बाकी नीचे जा रहे हैं हम, हमने रूम अपना फाइनल कर दिया, वहीं पर दो रूम मिल गए हमको, प्राइस भी सही मिल गई, तो मैं चलो ठीक है अपना यहाँ के हिसाब से यही है। यहाँ पे अब तुम ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, $3,000 ओनली। अरे सामने यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं तो बहुत दूर है। हाँ वो दिख रही है वो लाइट जल्दी, नीचे वहाँ जाना है, ला मुझे दे सामान। सुबह ये हैं अपने रूम, सुबह दिखाएंगे यहाँ से अंधेरा हुआ की चार तरफ, एक एक ये वाला एक लास्ट वाला है, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी ले लो जिसमें गद्दा आ जाए अच्छे से वो दे दो मैं तो। सुबह ये है अपना रूम, और एक रूम इधर है और एक रूम है उधर, बाकी अपने टेबल हमने यहाँ लगवा लिए, थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे। सही है, बस हवा चल रही है तो सबने अपने कैप पहन लिया है, सॉक्स पहन लिए हैं और जैकेट डाल लिया है ना। चलो बाहर बैठते हैं थोड़ी देर, फिर अपना आराम से सोएंगे, यहीं तो रहता है, रात में और बढ़ेगी ठंड, रात में चलो बर्फ है ना भाई, आसपास बर्फ है, लगा था कि हम लोग शायद थोड़ा पहले रुक जाएंगे, अच्छा रात में यहाँ नहीं आएंगे, बर्फ पड़ी हुई ना। हाँ। चलो थोड़ी देर फिर अपना खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, अब तक बढ़िया लग रहा है एकदम। बॉनफायर चल के आ रहा है भाई, चल के आ रहा है बॉनफायर, भाई बॉनफायर लगाया नहीं गया, चल के आ रहा है हमारे पास, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, कुर्सी वही लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।